पहुँचने वाले हैं। हमारे शास्त्रों का मानना है ऐसी महान हस्तियाँ जब भी कही जाती हैं तो कोई ना कोई हंगामा जरूर होता है, तो दिल थाम के बैठे रहिए दोस्तों। हमारे नेताजी कुछ ही देर में हमारे स्टूडियो में पहुंचने वाले हैं। जहां ना पहुंचे रवि कभी, जहां ना पहुंचे रवि कभी, वहां पहुंचे एसआरयू की न्यूज सभी। नेताजी वेट कर रहे हैं, हमारे नेताजी का आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जो अपनी गाड़ी में आए हैं उनको भी नमस्कार, जो दूसरों में घुस घुस आए हैं उनको भी नमस्कार, भाई को नमस्कार एवं मित्रों को विशेष नमस्कार। मैं जोरदार छाछड़ इस क्षेत्र के सांसद का पहला उम्मीदवार। जय हमारे असाइनमेंट नेता ये हमारे सिक्योरिटी गार्डर तो सस्ते में आवे नेता जी, सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी गार्ड नेता मैं हूँ तू आइए नेता जी, हमारे स्टूडियो तक तक में आपका स्वागत है, आइए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जय कह रहे हैं स्थान ग्रहण करने के लिए चारपाई कहाँ लगाई है? नेताजी स्टूडियो यहाँ पे चारपाई नहीं चेयर लगवाई गई है। जे चेयर का हो वे? जे का हो वे? छोटी चारपाई नेताजी, छोटी चारपाई। अच्छा छोटी चारपाई, इसमें तो मेरी पुंगी भी ना हो। नेताजी स्टार्ट है, कोनो गाड़ी वाड़ी है का? नहीं नेताजी, साक्षात्कार नेताजी। अच्छा साक्षात्कार, साक्षात्कार पूछो भाई। अच्छा नेताजी आप ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? भाई हमारा जन्म तो इंडिया में हुआ था। नहीं नेताजी, हमारे कहने का मतलब आपका जन्म इंडिया के कौन से इलाके में? हे बेवकूफ, इलाका तो कुत्तों का होता है, इज्जतदार लोग है। जोरदार तालियां नेताजी। हमारे कहने का मतलब आपका जन्म इंडिया के कौन से इलाके के कौन से घर में हुआ था? अरे दो चार दिन के बच्चों को कहाँ पता कि वो कहाँ पैदा हुए थे, उस समय हमारी आंखें बंद थी। अच्छा नेताजी थोड़ा जनरल नॉलेज की बातें कर लेते हैं। ये जनरल नॉलेज कहाँ हुए रे? सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान पूछो भाई। अच्छा नेताजी आप ये बताइए कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था? चांद पर पहला कदम भाई अम्मा स्ट्रॉन्ग ने रखा था। अम्मा स्ट्रॉन्ग ने? अम्मा स्ट्रॉन्ग नहीं नेताजी, आई एम स्ट्रॉन्ग। मैं हूँ तो नेताजी अब आपका दूसरा सवाल ये बताइए कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? बेवकूफ है, एक टांग से कम लंगड़ी खेलने जाएगा, दूसरा कदम भी उसे ने रखा था। जोरदार तालियां नेताजी के जवाब के लिए। अब नेताजी थोड़ा पॉलिटिक्स की बातें कर लेते हैं। पॉलिटिक्स का हो रे? राजनीति, राजनीति करो भाई। अच्छा नेताजी आप ये बताइए कि आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? देख गवर्नमेंट का हो है? सरकार, नेताजी सरकार। हमारी सरकार तो भाई राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे? ना ना, जय राम भरोसे ना, जय राम भरोसे। लेकिन कैसे? सारा काम ये करे, अंगूठा हम लगाए। जोरदार तालियां नेताजी के जवाब के लिए। नेताजी अब ये बताइए कि आपने अपनी जनता के लिए क्या क्या किया? जनता के लिए क्या किया? पुराना चिट्ठा खोलोगे क्या? बताइए ने कंबल बंटवाए थे भाई? कंबल बंटवाए थे जनता को? नहीं नहीं, गाय भैंसों को। ये बताइए कि आपने मतदान जनता से लिए और कंबल गाय भैंसों को बंटवा दिए? कंबल ना बंटवाते, सारे ठंडी में मर जाते, दूध किसका पीते? जोरदार तालियां नेताजी के जवाब के लिए। ये बताइए कि आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? काय आई
हिंदी में नहीं पूछ सकते। ये डेमोक्रेसी का हो रे? लोकतंत्र, प्रजातंत्र, हाँ, जनता के द्वारा जनता की ऐसी की तैसी, जनता के द्वारा जनता की ऐसी की तैसी, इसी को तो मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी। जोरदार तालियां नेताजी के जवाब के लिए। अच्छा नेताजी, ये बताइए कि आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भाई हमारी पार्टी का चुनाव भाई जूता है जूता। जोरदार तालियां नेताजी के जवाब के लिए। अच्छा नेताजी, आप ये बताइए कि आप अपनी पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई हम अपनी पार्टी को संदेश देना चाहते हैं, भारी बहुमत से हमको विजयी बनाओ, भारी बहुमत से हमको विजयी बनाओ, तो चाय कॉफी से न मानो, से दारू और बिरयानी से मनाओ। जोरदार तालियां। अच्छा नेताजी, ये बताइए पिछले महीने गांव में आग लगी थी, उसमें आपकी क्या सहयोगिता थी? भाई उसमें हमने बहुत ही कार्य किए, जितने साले घायल हुए थे सबको शमशान घाट पहुंचा के आए थे, जितने साले मर गए थे सबको हॉस्पिटल में एडमिट करवा के आए हैं, जिंदा करने की कोशिश जारी है, साइंटिस्ट लगवा दिए गए हैं, जितने घायल हुए थे सबको 50 रुपए का मुआवजा, जितने मर गए साले सबको 10 रुपए का मुआवजा, भाई इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा नेताजी, अब ये बताइए कि गांव में कुछ ज्यादा ही महंगाई बढ़ गई, इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या कारण हो सकते थे? स्टूडियो यहाँ पे डीजे नहीं लगवाए गए हैं। अच्छा ऐसी बात है का? ए भाई तेरा फोन दे फोन। क्यों नेताजी? अपनी रामपति को फोन करना है। अच्छा नेताजी, ये रामपति कौन है? हमारी गर्लफ्रेंड है, तो कल थारी गर्लफ्रेंड। अच्छा नेताजी लीजिए, अपने गर्लफ्रेंड से बात कर लीजिए। देख ली, कभी देखा है का? हेलो रामपति, हेलो रामपति, देखिए टीवी बीटीवी सबने कैमरा लगा, देख कौन से चैनल पे मैं आ रहा हूँ। बट कुत्ते कमीने कह के रॉन्ग नंबर लगा के बात करता है। मैं तुझसे कुछ कह रही है। हेलो, हाँ तो मेरी बीवी का कौन था सर? सॉरी यार, कोई गधा आ गया था सर। किसको बोला भी? पता नहीं कहाँ से ऐसे सारे नेता हमारे स्टूडियो में चले आते हैं। हम नहीं आए थे, तुम्हें नहीं बुलाया था। अरे जाइए महाराज, आपकी जय हो। प्रिय दर्शकों, हमारे इस इंटरव्यू को दिखाए जाने का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि आपको अपने मतदान के प्रति भी जागरूक कर रहा है, जो कि आपका एक वोट आपके देश राज्य आदि की तकदीर को बदल सकता है। तो आप लोग अपना दान उसी को दें जो पढ़ा लिखा और अनुभवी हो। आप इस जाहिल से कल्पना कर सकते हैं, ऐसे जाहिल नेता जब हमारे देश में रहेंगे तो हमारे देश की क्या परिस्थिति होगी।